हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को आपका अपने ही चैनल पर। मैं पप्पू कुमार और आप सब देख रहे हैं मेडिकल हब। दोस्तों, आप सब ने अक्सर ये सुनता होगा स्टेरॉयड होता क्या है, तो दोस्तों आज इसी के बारे में बात करने वाले हैं। स्टेरॉयड होता क्या है, ये काम कैसे करता है और इसका फ़ायदा और नुकसान के बारे में। तो दोस्तों, ये वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर मेडिकल हब को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि स्टेरॉयड होता क्या है। स्टेरॉयड एक प्रकार की दवाई है जो कि कई साल पहले कैंसर जैसे भयानक बीमारियों के लिए इलाज के लिए उपयोग की गई थी, लेकिन इसके मसल बनाने के गुण की वजह से ये बॉडी बिल्डिंग में लेना शुरू हो गई। ये एक मानव हार्मोन्स है जो कि सेक्स करने को उत्तेजित करती है और इसके साथ साथ ये मसल बनाने के भी मदद करती है और साथ साथ ये स्टैमिना और ताकत बढ़ाने का भी काम करते हैं। दोस्तों, अगर बात की जाए इसकी टाइप्स की तो मेनली दो टाइप्स में आता है। एक हो गया सिंथेटिक स्टेरॉयड, दूसरा हो गया एनाबोलिक स्टेरॉयड। अगर बात की जाए ये सिंथेटिक, तो ये बॉडी में अपने आप बनता है जो नेचुरली होता है, और एनाबोलिक स्टेरॉयड जो होता है वो मैन मेड होता है जो कि बाज़ार में उपलब्ध होता है। अगर बात की जाए बॉडी बिल्डर्स की, तो एनाबोलिक स्टेरॉयड इंजेक्शन और कैप्सूल के तौर पर ली जाती है और कई बार इसे विशेषज्ञ परामर्श से दवाई के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मसल्स की चाहत में युवा स्टेरॉयड की तरफ खींचे चले जा रहे हैं। एनाबोलिक स्टेरॉयड का असर जितनी जल्दी दिखाई देता है उतनी ही जल्दी इसका साइड इफेक्ट भी होता है। इसके लगातार प्रयोग से पुरुष मेल हार्मोन्स और प्रजनन क्षमता पर इसका विपरीत असर पड़ता है। दोस्तों, आप सबके मन में सवाल भी उठता होगा कि ये स्टेरॉयड काम कैसे करता है। आपको बता दूं कि स्टेरॉयड लेने के कुछ देर बाद ही शरीर में प्रोटीन के सक्रिय हो जाता है, जिसे मांसपेशियां फूलने लगती है और शरीर सुडौल व बलशाली दिखता है। लेकिन स्टेरॉयड सबसे ज़्यादा बुरा असर श्वेत रक्त कणिकाओं पर पड़ता है, जिससे प्रतिरोधक क्षमता खत्म होने लगती है और आपका शरीर अंदर ही अंदर कमज़ोर हो जाता है, जो आपको अंत में केवल बहुत सारी बीमारियाँ देता है। दोस्तों, ये नुकसान के साथ साथ फ़ायदा भी है। दोस्तों, फ़ायदा की बात किए जाए तो पहला नंबर पर आता है दोस्तों, इससे हमारे बॉडी मसल स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। दूसरा, ये हमारे शरीर के फैट को कम रखकर हमारी मसल्स को इम्प्रूव करने में भी मदद करता है। तीसरा, स्टेरॉयड हमारे हीलिंग कैपेसिटी को बढ़ा देता है, जिसकी मदद से आप जल्दी एक्सरसाइज के बाद में रिकवर कर सकते हैं। जब आप जल्दी रिकवर कर लेंगे तो आप उस पार्ट की एक्सरसाइज बार बार कर सकते हैं। जैसे मान लो कि आज आपने बाइसेप्स की एक्सरसाइज लगाई है और आप स्टेरॉयड ले रहे हैं, तो आप कल भी बाइसेप्स की एक्सरसाइज लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें हमारे मसल्स की हीलिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। चौथा, ये हमारे मसल साइज को इम्प्रूव करने में मदद करता है। जब हमारे बॉडी के हिसाब से हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ जाता है तो हमारे मसल्स की साइज बढ़ने लगती है और ज़्यादातर हमारी बाइसेप्स और लेग की मसल सबसे ज़्यादा इम्प्रूव होती है। दोस्तों, अब इसके नुकसान के बारे में भी बात कर लेते हैं। पहला नंबर पे आता है दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे बॉडी के सभी अंदरूनी हिस्से हमें जिंदा रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें सबसे मुख्य काम हमारा लीवर और किडनी का होता है। हमारा लीवर हमारी बॉडी से जितने भी जहरीले पदार्थ हैं उनको बाहर निकालता है। हमारी किडनी एक फिल्टर सिस्टम है जिससे जितनी भी हमारे अंदर वेस्ट मटेरियल बने हुए होते हैं उनको बाहर निकालने में मदद करता है। किडनी और लीवर का डैमेज होना स्टेरॉयड का सबसे पहला साइड इफेक्ट है। नंबर टू, जब स्टेरॉयड लेना शुरू करते हैं तो हमारी बॉडी में हार्मोन्स डिसऑर्डर की समस्या पैदा हो जाती है, जिसको कि गायनो कहा जाता है। गायनो में आपके ब्रेस्ट टिश्यू बढ़ने लगते हैं जो कि धीरे धीरे मेन बूब्स का रूप ले लेते हैं, जिसको हम मेडिकल भाषा में गायनोकोमास्टिया भी कहा जाता है। नंबर थ्री, स्टेरॉयड सेवन से हमारी धमनियाँ यानी कि नसें छोटी हो जाती है, जिसकी वजह से आपके पैरों और आपके दिमाग तक खून सही ढंग से नहीं पहुंच पाता है, जो कि आपके पूरे शरीर में ऑक्सीजन को ले जाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसकी वजह से भी आपको हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। नंबर फोर, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एक एक्सपेरिमेंट से पता चला है कि एनाबोलिक स्टेरॉयड हमारे वीर्य काउंट को कम कर देता है। जी हाँ दोस्तों, जिससे कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इफेक्ट होता है
अगर इसका सेवन ज़्यादा लंबे टाइम तक किया जाए तो नपुंसक भी बन सकता है। दोस्तों ये थी स्टेरॉयड के बारे में और इसका काम और साथ साथ इसका फायदा और नुकसान के बारे में। एक बात बता दूं कि पुरुष के अलावा महिला भी यूज करते हैं। जी हाँ दोस्तों, वो भी बॉडी बिल्डिंग में बहुत ही व्यस्त रहते हैं और वो भी बॉडी बिल्डिंग के बनाने के लिए ये यूज करते हैं। उसके बारे में भी वीडियो मैं जल्द में लाऊँगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सोशल मीडिया में भी शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए कैसा लगा हो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बने रहे इस चैनल से। और मिलता हूँ किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।